Welcome to Adobe Premiere Pro CS3 training section. My dear fellows, ये हमारा chapter number 10 है. इस chapter number 10 में हम आपको कुछ video import करेंगे. अब तक तो हमने simple कुछ pictures import की थी, अब हम video import करेंगे. इस तरह आपको पता चल जाएगा कि video का audio कहाँ पर आता है और उसे भी हम किस तरह edit करते हैं. कुछ मैं tools और इसमें merge करने का बताऊंगा कि किस तरह tools इसमें और video में भी use किए जाते हैं. So simple my dears, आप अपने software को open करेंगे. जब open करके कि आप अपने उसी तरह प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे जो आपने सेव किया हुआ है, उसके बाद सिंपल आप अपनी ओपन कर लेंगे. जब ओपन हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर, तो माय डियर सबसे पहले हम उसी तरह इंपोर्ट करेंगे. कंट्रोल प्लस आई शॉर्टकट की है, फाइल मेन्यू में जाकर इंपोर्ट का ऑप्शन है, और थर्ड ऑप्शन है हमारे पास डबल क्लिकिंग ऑन सिक्वेंस बार. जब आप डबल क्लिक कर लेंगे इस पर तो आपके पास इंपोर्ट के ऑप्शन आ जाएंगे ओपन के. सो माय डियर सबसे पहले आपके पास एक वीडियो होनी चाहिए. कोई कोशिश करें कोई छोटी वीडियो हो तो वो जल्दी इंपोर्ट हो जाएगी. अगर बिग साइज की वीडियो है तो वो आपके इंपोर्टिंग में थोड़ा टाइम लेगी. और माय डियर्स इसमें जो है आपके पास डेट फाइल सपोर्ट नहीं होती. MPEG और दूसरी MPEG AVI फॉर्मेट, जैसे कि आपको यहाँ पर देखें नजर आ रहे सारे फॉर्मेट्स, ये यहाँ पर सपोर्टेड है. डेट फाइल इसमें वायदे कैसे फॉर्मेट है जो सपोर्ट नहीं की जाती, इसलिए आपके पास AVI या किसी और फॉर्म का होना चाहिए वीडियो. सो माय डियर्स ये वीडियो पड़ी हुई है, हम इसे ओपन करेंगे. यहां से जब ओपन करेंगे तो ये इंपोर्ट होकर हमारे प्रोजेक्ट बार या सीक्वेंस बार में आ जाएगी. सो देखिए अभी आपकी वीडियो इंपोर्ट हो गई. वीडियो इंपोर्ट होकर आपकी यहाँ पर आ गई. सिंपल उसी तरह हम क्लिक प्रेसिंग क्लिक करके और टाइमलाइन में ले आएंगे उसे. जैसे ही हम टाइमलाइन में इसे लाएंगे, ये देखें आपके पास आ गई वीडियो. जैसे ही आपके पास वीडियो आ गई माय डियर्स, ये देखें आपके पास इस दफा आपके पास टू लाइंस आ रही है. ऑडियो में भी आपके पास आ रही है लाइन, वीडियो में भी आपके पास लाइन आ रही है. सो माय डियर्स इसका मतलब ये कि सबसे पहले ये जो ऊपर आपकी वीडियो है ये है आपकी ओरिजिनल वीडियो, और नीचे जो है ये इसका ऑडियो है. सो माय डियर्स अगर आप चाहते हैं कि आपने इसका ऑडियो हटाना भी हो, ऑडियो किसी चीज़ ने रिमूव करना हो, या अगर इसी वीडियो या इसी वीडियो की जगह कुछ और डालना हो तो आप वो इजीली डाल सकते हैं. सिंपल हम अभी फिलहाल ये डिस्कस करेंगे कि हमें किस तरह इसको यूज़ करना है. सिंपल हम अगर चाहते हैं कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी है तो हम इसे कट टूल के जरिए बिल्कुल छोटा कर लेंगे. हमने यहाँ पर कट कर दिया इसे. फिर हम कर्सर बार लेंगे अपना सिलेक्शन के लिए, इसे सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ से और सिंपल प्रेसिंग डिलीट डिलीट कर देंगे तो हमारे उतना ही वीडियो कट जाएगी. फिर हम इस पर क्लिक करेंगे. अगर अब हम देखना चाह रहे हैं कि हमारी वीडियो किस तरह की है या कौन सा है, ये प्रीव्यू देखना चाह रहे हैं, तो आप सिंपल स्पेस प्रेस भी कर सकते हैं या आप यहाँ से मॉनिटर बटन से प्ले भी कर सकते हैं. तो जब हम प्ले करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी वीडियो क्या है और हमें उसका ऑडियो भी समझ आएगा. बेसिकली माय डियर फेलोज ऐसा होता है कि रेंडर बार में आपका सिस्टम थोड़ा फास्टर होना चाहिए, क्योंकि रेंडर करते में बहुत हैवी हो जाती है वीडियो, तो इस वजह से आपकी वीडियो थोड़ी रुक रुक कर गुजरती है. तो इस वजह से आपका सिस्टम थोड़ा जितना फास्टर होगा उतनी ही रेंडराइजेशन अच्छी होगी. सो अभी देखें अगर हम चाह रहे हैं यहाँ से भी हम अपनी वीडियो को अगर कट कर दें कि हमारी असल वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो हम अपने पिछले वाली वीडियो को भी कट कर सकते हैं बाय प्रेसिंग डिलीट. ये देखिए हमारी डिलीट हो गई वीडियो. अब इसके बाद अगर तो मैं चाह रहा हूँ, देखें अभी आप अपने मॉनिटर स्क्रीन में इसको मैं अगर थोड़ा सा बड़ा कर दूं या जितना आप अगर रिक्वायर्ड हो रहा है, देखिए मैंने इतना कर दिया. अब मैं इसको प्ले करता हूँ, तो जब मैं इसको प्ले करूँगा तो आप देखेंगे कि ना आप चेक करेंगे कि किस तरह ये हमारी प्ले हो रही है. अब देखिए सीक्वेंस में चल रही है वीडियो, जितनी इसको फास्ट बनाई जाएगी उतनी सीक्वेंस में वीडियो चल रही है. अगर तो अब मैं चाह रहा हूँ, और देखिए मेरा टाइमिंग वगैरह भी आपको नजर आ रही है. अब देखिए अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये वीडियो स्लो हो जाए, कभी आपने देखा होगा कि कुछ इफेक्ट तेज कर सकते हैं. देखें स्पेस हम इसको स्टॉप भी कर सकते हैं, स्पेस से स्टॉप कर दिया. अब देखें अगर मैं चाह रहा हूँ ये वीडियो हल्की स्लो हो जाए फिर उसके बाद फौरन से फास्ट हो जाए, तो हम बीच में कट करेंगे जितनी वीडियो हमने फास्ट करनी है जितनी स्लो करनी है. देखें अभी ये बीच में कट हो गई वीडियो, इसको फिर हम
सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इस वीडियो को हम थोड़ा साइड पर कर देंगे, इस वीडियो को हम थोड़ा सा आगे ले जाकर रख देंगे और इस वीडियो को सेलेक्ट करेंगे और इसे ड्रैग करके आगे कर देंगे। देखिए आगे हो गई वीडियो। अब आप चेक करेंगे इसकी रेजोल्यूशन, वीडियो स्लो हो गई। जैसे आपने स्लो मोशन देखा होगा ना, जैसे वीडियो स्लो मोशन हो रही थी तो वीडियो स्लो मोशन हो, इसी तरह आप जितना चाहें वीडियो को स्लो कर सकते हैं। जितना इसको आप आगे ले जाएंगे ड्रैग करेंगे उतनी स्लो हो जाएगी। फिर जैसे ही ये वीडियो इसके साथ टच होगी वैसे ही आपकी वीडियो दोबारा से नॉर्मलाइज हो जाएगी, मतलब नॉर्मल मूड पर आ जाएगी जैसे कि पहले थी। सो माय डियर्स, आज मैंने आपको इस चैप्टर में यही बताया कि ना वीडियो को किस तरह इंपोर्ट करके आपने उसका काम करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम कुछ और डिस्कस करेंगे।